हिंद भारत आपकी अपनी आवाज। नमस्कार, मैं योगेश शर्मा। हैदराबाद की तेलंगाना से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 6 साल की बच्ची से रेप और उसकी हत्या करने वाला आरोपी तेलंगाना के धानापुर स्टेशन पर मरा हुआ पाया गया है। बता दें कि राज्य के मंत्री ने 2 दिन पहले ही उसके पकड़े जाने पर एनकाउंटर की चेतावनी दी थी। हैदराबाद पूर्वी क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त रमेश ने कहा कि यह सच है कि आरोपी की मौत हो गई है। मुझे संबंधित पुलिस कर्मियों के साथ अधिक जानकारी का पता लगाना होगा। मुझे बताया गया है कि पुलिस उसका पीछा कर रही थी और चेतावनी पर ध्यान न देते हुए वो ट्रेन के आगे कूद गया। एक बार सभी विवरण सुनिश्चित हो जाने के बाद इसे मीडिया के साथ साझा किया जाएगा। बता दें कि आरोपी की पहचान राजू नाम के 30 वर्षीय व्यक्ति के रूप में हुई है, जो घटना की सूचना मिलने के बाद से फरार था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के लिए 9 विशेष टीमों का गठन किया था। 14 सितंबर को हैदराबाद पुलिस ने आरोपी के बारे में जानकारी देने वाले व्यक्ति को 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी की थी। वहीं सैकड़ों पुलिसकर्मियों वाली कई टीमें 3 पुलिस आयुक्तों हैदराबाद, साइबराबाद और राजकोंडा की सीमा में तलाशी अभियान में लगी हुई थी। 10 लाख रुपए के इनामी की घोषणा के एक दिन बाद पुलिस ने 15 सितंबर को उसकी तस्वीरों के साथ मोस्ट वांटेड पोस्टर जारी किए थे। पुलिसकर्मियों को दीवारों, बसों और ऑटो रिक्शों पर पोस्टर चिपकाते देखा गया था। कुछ ने नागरिकों को समझाया कि आरोपी कैसा दिखता है। बता दें कि पुलिस ने उसे पड़ोसी राज्यों में भागने से रोकने के लिए राज्य की सीमाओं पर वाहन चेकिंग भी की थी। बता दें कि 6 वर्षीय बच्ची का 9 सितंबर को सैदाबाद क्षेत्र की सिंगरेनी कॉलोनी में यौन उत्पीड़न और हत्या कर दी गई थी। आधी रात के बाद लड़की का शव उसके घर में मिला। इस अपराध ने पूरे शहर और राज्य में बड़े पैमाने पर हड़कंप मचा दिया था, जिसमें राज्य के मंत्रियों सहित कई लोगों ने मांग की थी कि उसका पिछले साल हैदराबाद में हुए दिशा मामले के आरोपियों की तरह एनकाउंटर किया जाए। वहीं राज्य सरकार पर आरोपियों को पकड़ने के लिए बढ़ते दबाव के बीच पुलिस महानिदेशक एम महेंद्र रेड्डी व्यक्तिगत रूप से मामले की निगरानी कर रहे थे। उन्होंने पुलिस आयुक्तों को तलाशी अभियान तेज करने के निर्देश दिए थे। बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान के लिए कमिश्नर टास्क फोर्स और स्पेशल ऑपरेशन टीम के कर्मियों को भी लगाया गया था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें हिंद भारत न्यूज। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।